पृथ्वी का 75% से भी ज्यादा क्षेत्र पानी ने घेर रखा है। मतलब 75% से भी ज्यादा अधिक क्षेत्र में केवल महासागर हैं। और आप जानते हैं कि समुद्रों के बारे में तो आज भी हम इंसान केवल 5% या उससे भी कम जान पाए हैं। कितने रहस्य समुद्र ने अपने अंदर समा रखे हैं। समुद्र में धरती से विशालकाय और बड़े जीव भी रहते हैं। इनमें से कुछ जीव इतने ज्यादा खतरनाक है कि समुद्र पर राज करते हैं। उनमें से दो जीवों का नाम है किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क। यह दोनों समुद्र पर राज करती हैं। लेकिन क्या हो यदि यह दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं? कौन किसका शिकार बनेगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी रोचक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। शार्क में ग्रेट व्हाइट शार्क सभी शार्कों में सबसे बड़ी होती है। यह समुद्र की रानी कहलाती है। विशालकाय समुद्र में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो इस शार्क का सामना कर पाए। इसके 300 नोकीले दांत होते हैं जो किसी भी शिकार के शरीर से उसके अंग को तुरंत टुकड़ों में अलग कर दे। इसकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा प्रबल होती है। यह समुद्र में काफी दूर तक कंपन तथा खून की गंध को महसूस कर सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क के समुद्र के किनारे इंसानों तक के ऊपर हमला करने के कई किस्से हैं। इसीलिए इंसान इस शार्क से तो काफी डरता है और दूर रहना ही चाहता है। शार्क की वैसे तो 1000 प्रजाति होती है लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क सबसे बड़ी है और इसकी लंबाई 20 फीट तक हो जाती है। वैज्ञानिकों ने जिन शार्क की प्रजाति को खतरे में बताया है उसमें ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम भी शामिल है। हालांकि इसका एक कारण तो यह है कि मछुआरे इन शार्क का भी शिकार कर लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ और भी कई कारण हो सकते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क की आबादी कम होती जा रही है। अब बात करते हैं किलर व्हेल के बारे में। व्हेल के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। व्हेल की इस दुनिया में 90 प्रजाति पाई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक किलर व्हेल को माना जाता है। किलर व्हेल को ओकरा व्हेल भी कहा जाता है। यह डॉल्फिन परिवार से संबंधित मछली है। किलर व्हेल समुद्र के तट के निकट आकर भी शिकार कर लेती है। किलर व्हेल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यह सफेद और काले रंग की व्हेल होती है। हालांकि व्हेल मछलियों के प्रति इंसान की धारणा शार्क के मुकाबले काफी अच्छी होती है, लेकिन किलर व्हेल का स्वभाव सबसे अलग होता है। यह और व्हेल मछलियों की तरह नहीं होती, यह काफी आक्रामक स्वभाव की होती है। आप कल्पना कीजिए कि यदि किलर व्हेल किसी शिकार का पीछा करती होगी तो उस शिकार की क्या हालत होती होगी। उस शिकार का बच पाना कितना मुश्किल होगा। यह किलर व्हेल दुनिया के हर समुद्र में पाई जाती है, अर्थात यह समुद्र के उन हिस्सों में भी पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर काफी कम होता है, और इन उन हिस्सों में भी पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर काफी अधिक होता है। अब बात करते हैं इनकी कुछ शारीरिक विशेषताओं के बारे में। शार्क का वजन होता है 1100 किलो, तो वही व्हेल का वजन होता है 5400 किलो तक। शार्क की लंबाई होती है फीमेल में 6.4 मीटर और मेल में होती है 4.1 मीटर। शार्क में फीमेल मेल से ज्यादा लंबी होती है, तो वही व्हेल में मेल की लंबाई होती है 8 मीटर तक और फीमेल की लंबाई होती है 7 मीटर तक। शार्क की स्पीड की बात करें तो शार्क की स्पीड होती है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही किलर व्हेल की स्पीड की बात करें तो किलर व्हेल की स्पीड भी लगभग शार्क के बराबर ही होती है, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा। शार्क के मुंह में 300 नोकीले दांत होते हैं, तो वही व्हेल के मुंह में 48 से लेकर 52 तक दांत होते हैं। यह थी इन दोनों जीवों की शारीरिक विशेषताएं। अब क्या होगा यदि यह दोनों मांसाहारी जीव आमने सामने होंगे। शार्क और व्हेल दोनों ही खतरनाक शिकारी हैं। शार्क का वजन भले ही कम हो लेकिन किलर व्हेल से कम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शार्क के पास 300 दांत हैं, जो और खतरनाक अटैक करने की रणनीति भी है जो किलर व्हेल से काफी ज्यादा बढ़िया और बेहतर है। जहां किलर व्हेल के पास 48 से 52 दांत होते हैं, वहीं शार्क के पास 300 नोकीले दांत होते हैं जो एक बारी में अपने शिकार के अंग को उसके शरीर से अलग कर देती है। लेकिन किलर व्हेल और यदि ग्रेट व्हाइट शार्क का सामना हुआ तो किलर व्हेल के जीतने की प्रायिकता अधिक होगी, चाहे शार्क ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा शेर के पास कैनाइन वाले ताकतवर दांत होते हैं और वो हाथी से काफी ज्यादा फुर्तीला भी होता है, लेकिन फिर भी हाथी के आगे टिक नहीं पाता। तो वही ग्रेट व्हाइट शार्क के पास 300 तेज दांत भले ही हो लेकिन 5400 किलो के भारी वजनी किलर व्हेल के गले पर अपने दांतों से वार कर पाना आसान नहीं होगा। तो वही किलर व्हेल व्हाइट शार्क की तुलना में 5 गुना अधिक भारी और वजनी है। यदि किलर व्हेल ने व्हाइट शार्क को अपने मुंह में दबा लिया तो व्हाइट शार्क का किलर व्हेल के मुंह से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अर्थात स्थिति देखी जाए तो किलर व्हेल की व्हाइट शार्क से जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा अधिक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।